आज हम स्टार्ट करने वाले पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट हर कोई ड्रॉ करना चाहता है, लेकिन इसमें ना कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कुछ भी अगर हम पोर्ट्रेट स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके बारे में पहले ध्यान में रखना चाहिए कि उसके बेसिक फीचर्स क्या हैं, उसके जो बेसिक नीड्स हैं। जैसे कि हम बात कर ले तो कुछ जो बेसिक पॉइंट्स हैं, जैसे पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के पहले हमें थोड़ा देखना पड़ता है कि पोर्ट्रेट का एंगल क्या है, किस एंगल में वो देख रहा है। जैसे अभी हम लोगों ने रेफरेंस लिया है वो स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट हमें बनाना है यहाँ पे। और इसके बाद अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट कौन सा है, किधर ऊपर नीचे दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, वो होता है। तो यहाँ पे भी फ्लैट है, बिल्कुल सामने दिख रहा है, तो ये चलो एक पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। इसके बाद लाइट कंडीशन होता है, इसको टेक्सचरिंग होती है, तो ये सब बेसिक फीचर्स हमें देखना होता है। और सबसे बड़ी बात इन सब चीज़ों से प्लेसमेंट, आइज़, नोज, लिप्स वगैरह का कहाँ प्लेसमेंट होगा। अगर एवरेज देखा जाए तो फेस जो है ना, सबका एक पर्टिकुलर स्पेस होता है। जैसे अगर आप देखोगे कि ये जो पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट में अगर आई का एक सेपरेट प्लेस है, सेपरेट साइज है, आई से लेके नोज तक का एक सेपरेट है, फिर नोज से लेके लिप्स तक का सेपरेट है, मतलब मीन्स कि सबका एक आइडेंटिकल फीचर्स हैं, अब प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे चिन जो है, चिन का अगर आप देखोगे तो ये भी यहाँ से आपका जितने भी हैं साइज जो है वो अलग अलग साइज़ के होते हैं, अलग अलग एरिया में है। इसको हम कैसे बनाएंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसा कोई फॉर्मूला है जिससे कि हमें पता चले कि ये जब भी हम ड्रॉ करें तो हमें एक पर्टिकुलर साइज़ पता रहे, जो टेक्निक है वो पता चले। तो यहाँ पे मैं भी आपको बताने वाला हूँ, टेक्निक बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो क्लियर करते हैं सब कुछ, और यहाँ पे मैं बता दूँ, और ये बहुत ज़्यादा इजी और सिंपल टेक्निक है, इससे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कोई इजी टेक्निक होगा। पहले तो हम लोगों ने देखा कि ये सेंटर लाइन है फेस में, बिल्कुल ही एकदम सेंटर। सेंटर मीन्स कि आपका स्ट्रेट है पोर्ट्रेट, जो भी हमारा फेस है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, अब ये तो कर लिया मैंने, अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसमें हमें देखना है एक सर्कल लेना है। सर्कल मीन्स कि ये हमें अलाउ करता है कि हमारा साइज़ कितना बड़ा होगा फेस का, कंप्लीट फेस का ये साइज़ है सर्कल, जो भी आप लोगे पहले। ये सबसे बेसिक है कि जहाँ पे आपको सबसे पहले एक सर्कल लेना है, सर्कल ले लिया आपने, सेंटर लाइन भी है। अभी चीज़ें क्लियर हो गई कि हमारा जो फेस है इसके बाहर नहीं जाएगा, नहीं तो फिर क्या होता, आइज, नोज, लिप्स वगैरह से स्टार्ट करते हैं और फेस हमारा बाहर निकल जाता है, रेंज से बाहर चला जाता है। अभी हमारा एटलीस्ट ये है कि हमारा कंप्लीट फेस जो होगा इस सर्कल के अंदर होगा। ये करने के बाद अब आगे इसके बाद क्या, इसमें अभी जो सर्कल देख रहे हो इसमें आपको चार लाइन अंदर बनाने हैं। जैसे कि सबसे पहला जो है, और ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, आपको इक्वल साइज में चार डिवाइड कर ले हैं लाइंस, जिसमें से पहला जो होगा आईब्रो लाइन होगा। मैं चार जो लाइन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले ऊपर का देख रहे हो, ये वाला जो ऊपर है फर्स्ट, सेकंड जो लाइन है ये आईब्रो का देख रहे हो, टू, थ्री और एक फोर। ये सब जो है अलग अलग जो लाइंस आप देख रहे हो इक्वली साइज के हैं। अब बॉक्स आपको तीन दिखेगा, लाइन आपको चार है, तो ये मैंने यहाँ पे बना लिया और सबका एक आइडेंटिकल नेम है। जैसे यहाँ पे देखो सबसे पहला जो है हम लोग करते हैं, सबसे पहला ये हम लोग क्या कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट आईब्रो लाइन, सेकेंड नोज लाइन, सेंटर के जो दोनों लाइन है वो आइडेंटिकल है, आईब्रो लाइन और नोज लाइन। थर्ड यहाँ पे हो जाता है चिन लाइन, और फोर्थ हम लोग यहाँ पे कहते हैं फोरहेड लाइन। आप चाहें तो इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं, इसको आप कैसे 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 कर सकते हो आप, इसको जैसे कि 4-1 जो लिखा है मैंने, तो यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे 1-2-3 और एक 4 कर सकते हो, ये हम कर सकते हैं ऐसे। तो ये आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने हिसाब से आप कर सकते हो। तो ये हमारा एक बेसिक फीचर हो गया कि एक सर्कल लेना है, सर्कल में हमें चार लाइन में डिवाइड करना है हॉरिजॉन्टल लाइन में, जो कि इक्वली साइज़ के होने चाहिए। ये आप कैलकुलेट कर लोगे कोई भी एक सर्कल बनाने के बाद, किसी भी साइज़ का बनाने के बाद उसके अंदर आपको कर लेना है। और ये कर लेने के बाद फिर हमें क्या करना होगा कि अभी तो बचा आई और लिप्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी जो आप देख रहे हो ना, ये जो आप कंप्लीट एक लाइन देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो लाइन के बीच में हमें दो लाइन और बनाना है। अभी आपको कैलकुलेट कर लेना है कि इसमें जो है ये जो लाइन होगा उसका साइज़ कितना होगा। ये जो अगर हम लाइन यहाँ पे बना रहे हैं, ये और ये तो आपको पता चल जाएगा। ये जब आप कोई भी आपके पास स्केल है या फिर जो भी आप पैरामीटर है उससे आप कैलकुलेट कर लोगे तो दो लाइन आपको मिल जाएंगे, जिसमें से एक को आपको भूल जाना है, उसको ड्रॉ ही नहीं करना, वो यूज़लेस है। वो आपको सिर्फ इसलिए है कि आपको पता चले कि आई लाइन कौन सा होगा। तो जो भी हम लोगों ने यहाँ पे एक सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे वो होगा आई लाइन।
जैसे कि ये लाइन हमारा हो गया आई लाइन, इसमें अगर एक और लाइन होगा लेकिन होता था, लेकिन मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया इसलिए कि उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इस लाइन की ज़रूरत है, जो ये हमारा जो आई लाइन है इसकी ज़रूरत है, और ये आपको ड्रॉ करना है। और ये मैंने डॉट डॉट दिया है इसलिए कि आपको हल्का लाइट पेंसिल लेना, जैसे 2B पेंसिल हो गया, 2H पेंसिल हो गया, एकदम लाइट रखना है, क्योंकि आपको सिर्फ आइडेंटिकल है कि यहाँ पे फेस में आपका कैसे ड्रॉ करना है, अलाइनमेंट है, इसको हमें दिखाना भी नहीं है फाइनल आउटपुट में, इसको ऑब्वियसली इरेज कर देना है। तो एकदम लाइट रखना है, इतना हार्ड भी मत बना दो कि आपका पोर्ट्रेट कंप्लीट होने के बाद ये लाइन्स दिखे। तो ये एक बहुत बेसिक चीज़ है, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आ जाता है ये, इसके बीच में भी हमें दो लाइन बनाना है, एक ये और एक ये। एक को तो आपको भूल जाना है ये वाला लाइन, तो हमें सिर्फ ध्यान में रखना है एक लाइन। तो इसके लिए लिप के लिए हमें ये वाला लाइन मिल जाएगा, इक्वली सेम है जैसे आई के लिए जो हम लोगों ने लिया, वहाँ पे भी लिप्स के लिए ये लाइन ले लिया यहाँ पे। तो ये लाइन हो चुका है हमारा लिप लाइन, सेंटर लाइन लिप का, तो वो हम यहाँ पे देख लेंगे। अब हमारा जो एक बेसिक फीचर है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है कि आई का साइज़ क्या हो। आई का साइज़ बहुत मैटर करता है, अगर आई बड़ा हो गया तो, अब ये मैं आपको बता देता हूँ, एक आई का जो साइज़ है ना, ये आई का साइज़ है, सेम साइज़ आपका साइज़ होता है दूसरे आई का, दोनों आँखें बराबर होती है। अगर आपने अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसी का भी आप आसपास जो भी लोग हैं ना उनका आप देख सकते हो कि एक आई का साइज़ और दूसरे आई का साइज़ बराबर होता है, और उन दोनों के बीच का जो गैप भी होता है ना वो एक आई का साइज़ होता है। ये हमेशा ही याद रखना आप, ये बहुत बेसिक और प्राइमरी चीज़ है कि आपको जो आई है, दोनों आई का गैप है बराबर होता है, और यहाँ पे जो नोज़ का साइज़ होता है ना वो भी बराबर होता है, दोनों का गैप, एक आई का साइज़ होता है एक नोज़ का। देखो ये एक बहुत ही बेसिक और बेसिक फंडामेंटल है, हर किसी का शायद थोड़ा सा वेरी कर सकता है, किसी के नोज़ बड़े हो सकते हैं, किसी का आइज़ थोड़ा क्लोज हो सकता है। तो बेसिक फॉर्मेट हमारा यही है, इसको हम ध्यान में रखेंगे, और थोड़ी बहुत जो चीज़ें होती हैं बाद में हम स्केचिंग में हम कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे नोज़ लाइन, अब मैंने दिखाया ना आपको कि नोज़ लाइन भी एकदम बराबर है एक आई का साइज़ का। आई का साइज़ आपको पता चल गया कि आई का साइज़ इतना होता है, और वही सेम साइज़ होता है दूसरे आई का साइज़, और दोनों के बीच का गैप का साइज़ भी वही होता है, और नोज़ का भी साइज़। ये बहुत ही सिंपल फंडा है, मुझे नहीं लगता किसी को इसमें परेशानी होनी चाहिए या समझने में। सेम चीज़ आपको पेपर पर ड्रॉ करना है, ये फॉर्मेट अगर आपने पेपर पे ड्रॉ कर लिया तो आईज़ का साइज़ पता चल गया। अब आई एड, अब अलग से प्रैक्टिस करेंगे हम आई का नोज़ का लिप्स का अलग से प्रैक्टिस कर लेंगे, उसको बना लेंगे, उसको बनाने के बाद प्लेस कर देंगे यहाँ पे, हो गया ना पोर्ट्रेट। तो यहाँ पे बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया। अब लिप्स आ गया, अब लिप्स का साइज़ को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कहाँ तक ख़त्म होगा। नोज़ का तो हमें पता चल गया कि नोज़ हमारा आई का जो जहाँ से स्टार्ट होता है, दोनों आईज स्टार्ट होते हैं वो वहाँ से होता है, ये तो हमें पता चल गया। लिप का क्या है, लिप के लिए भी है कि ये जो आईबॉल होता है ना, आप देख रहे हो आईबॉल, अगर वो स्ट्रेट दिख रहा है उस कंडीशन में, ऐसा नहीं कि वो साइड में दिख रहा है, तो अपने साइड भी आईज भी लिप्स भी आपको पता चले कि कोई अगर देख रहा है इस साइड तो आपने मुंह भी इधर बना दिया, ऐसे ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये जो फॉर्मूला है ये आपको इसलिए कि जब कोई स्ट्रेट दिख रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे ये मैंने लगाया, अब ये वाला जो है स्ट्रेट आपको यहाँ तक आएगा, ये वाला जो है ये आपको स्ट्रेट यहाँ तक आएगा। तो इसे क्या पता चलता है कि हमारा जो लिप का साइज़ है वो हमें मिल गया यहाँ पे। ये साइज़ जो है आपको रेफरेंस से मिलेगा, या फिर आप जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है, आप ये जो फार्मूला यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, आप किसी का भी पोर्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपने किसी को एक बार देखा हो या फिर आपके सामने बैठा हो, तो ये बेसिक फॉर्मेट ड्रॉ करके आप कर सकते हो। जैसे अभी देखो लिप का मैंने बताया ना आपको कि जहाँ से आईबॉल स्टार्ट होता है ये वाला, ये दोनों वहाँ से आपको लेना है, और ये नीचे तक जाएगा, लाइन ऑलरेडी हमारे पास है लिप का, तो वो हम उसको वहाँ पे बना लेते हैं। तो हमारा लिप भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद क्या है, ये एक बेसिक चीज़ें जैसे कि ये दोनों का जो गैप है ना, ऐसे ये उठने का कितना होता है, तो यहाँ पे आप आई को ऐसे क्रॉस कर सकते हो ऐसे देखने के लिए। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बहुत ज़्यादा अगर आपको कैलकुलेट करना है ना उसके लिए, नहीं तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। तो ये जो कंप्लीट एक फॉर्मूला है आपको आपको अपना फेस जानने के लिए, कि फेस जो हम लोग ड्रॉ करते हैं उसके लिए कौन कौन से ऐसे बेसिक लाइंस होते हैं, तो ये हमें पता चल गया यहाँ पे, और एक सर्कल भी पता चल गया। तो ये जो सेम टेक्निक है हमें करना है कहाँ पे, पेपर पे, ड्राइंग शीट पे। ऐसा करने के बाद फिर इंडिविजुअली हम लोग ड्रॉ करेंगे आई। तो आज का हमारा एपिसोड यहीं पे था, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग ड्रॉ करेंगे सेम चीज़ को पेपर पे,
आइज भी ड्रॉ करेंगे, सभी चीज़ें जो है जो हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। तो इससे मुझे लगता है कि आपको हेल्प मिला होगा। नेक्स्ट हमारा जो ट्यूटोरियल है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकली करने वाले हैं। थ्योरेटिकली हम तो समझ गए कि ये कंप्लीट कैसे प्रोसेस होता है, साइज़ क्या होता है, और नेक्स्ट एपिसोड में आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको टेक्निक समझना है, ना कि कॉपी वर्क करना है, क्योंकि ये जो है ना आपको एक बेसिक फार्मूला है जो आपको अप्लाई करना है। एक बार या दो बार अगर आप पोर्ट्रेट पे अप्लाई करोगे, आप पूरी तरीके से आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि किस तरह से पोर्ट्रेट बनते हैं।